बॉलीवुड एक्टर फरहान अख्तर आज यानी 19 फरवरी को अपनी लॉन्ग टर्म गर्लफ्रेंड शिबानी डांडेकर के साथ शादी के बंधन में बंध गए हैं। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फरहान और शिबानी ने मुंबई के खंडाला फार्म हाउस में शादी की है। वहीं शादी में कई बड़े सितारे भी मौजूद रहे। तो चलिए, अगर आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें कि इन दोनों की लव स्टोरी कब और कैसे शुरू हुई। तो चलिए जानते हैं, तो आप इस वीडियो को एंड तक देखें, साथ ही एंटरटेनमेंट से जुड़ी डेली अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर दें। 48 साल के फरहान अख्तर ने 41 साल के शिबानी डांडेकर को अपनी दुल्हनिया बना ही लिया है। बता दें कि ये दोनों एक रियलिटी शो में मिले थे जो साल 2015 में आया था, जब फरहान पहले से ही एक रिश्ते में थे। खबर के अनुसार इस रियलिटी शो की शूटिंग के दौरान ही फरहान और शिबानी एक दूसरे के नजदीक आए थे। इसके बाद दोनों की डेटिंग की खबरों ने जमकर बाजार गर्म किया। इसी दौरान साल 2017 में फरहान का उनकी पहली पत्नी अधूना भवानी से तलाक हो गया। वहीं फरहान और शिबानी ने अपने रिश्ते को साल 2018 में पब्लिक के सामने लाया। ये तो आप सभी जानते हैं कि शिबानी से शादी से पहले स्लैब हेयर स्टाइलिस्ट अधूना भवानी के पति भी रह चुके हैं फरहान। फरहान अख्तर और अधूना की दो बेटियां भी हैं, जिनका नाम शाकिया और अकीरा है। फरहान और अधूना दोनों कई साल तक एक साथ रहे और साल 2016 में अचानक से दोनों ने अलग होने का फैसला कर लिया। कैसी लगी ये वीडियो, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही एंटरटेनमेंट से जुड़ी डेली अपडेट्स के लिए हमें आज ही सब्सक्राइब करें।